दोस्तों क्या आपको पता है कि दीवारों पर पेड़ क्यों उग जाते हैं? अगर सूरज गायब हो गया तो क्या होगा? लास्ट वाला फैक्ट को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हमारे चैनल के प्यारे मेंबर बन सके। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों जब भी गर्मी आती है तो अच्छे अच्छू की हालत खराब हो जाती है और इन गर्मियों से राहत पाने के लिए हम फैन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भारत में ज्यादातर 3 ब्लेड वाले फैन ही क्यों यूज होते हैं जबकि अमेरिका में 4 ब्लेड वाले फैन यूज होते हैं? तो मैं आपको बता दूं कि भारत जैसे देश में ज्यादा गर्मी पड़ती है इसलिए 3 ब्लेड वाले फैन चलते हैं, अमेरिका जैसे देश में ठंडी ज्यादा होती है इसलिए वहाँ 4 ब्लेड वाले फैन चलते हैं। क्योंकि जितने कम ब्लेड होंगे उतनी ही तेज हवा होगी, जितने ज्यादा ब्लेड होंगे उतनी ही कम हवा होगी, इसलिए भारतीय लोग गर्मी से छुटकारा पाने के लिए फैन का यूज करते हैं, वहीं अमेरिका के लोग होम वेंटिलेशन के लिए फैन का यूज करते हैं। फैक्ट नंबर 4, हम सभी जानते हैं कि हमारी सुबह सूरज से ही होती है और सूरज से ही पूरी दुनिया के जीव जंतु और पेड़ पौधे जिंदा है और सूरज से ही हमें विटामिन डी प्राप्त होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अगर सूरज गायब हो जाए तो क्या होगा? सूरज के गायब होती हमारे सौरमंडल के सभी प्लैनेट्स और हमारी पृथ्वी अपनी कक्षा हटकर अंतरिक्ष में तैरते हुए खो जाएंगे। ये ऐसा इसलिए होगा क्योंकि सूरज सौरमंडल के केंद्र कक्ष में स्थित रहता है जिसकी वजह से सूरज सभी ग्रहों को अपनी तरफ खींचकर नियंत्रित रखता है। सूरज के गायब होने से चांद को रोशनी नहीं मिलेगी जिसकी वजह से चांद दिखाई नहीं देगा, पूरी दुनिया के पेड़ पौधे ऑक्सीजन देना बंद कर देंगे और धीरे धीरे सभी पेड़ नष्ट हो जाएंगे। तापमान 60 डिग्री सेल्सियस से भी कम चला जाएगा, पानी बर्फ बन जाएगा और सभी जीव और इंसानों का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अंत में हमारी पृथ्वी बर्फ का गोला बनकर रह जाएगी। फैक्ट नंबर 2, आपने हमेशा ये बात सुनी होगी कि मछली के साथ दूध का सेवन नहीं करना चाहिए वरना स्किन से संबंधित बीमारी हो सकती है, लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है और साइंस के बारे में क्या कहता है? तो ये बात बिल्कुल झूठ है कि मछली और दूध का सेवन करने से स्किन की बीमारी होती है, लेकिन ये बात भी सच है कि दूध और मछली का सेवन एक साथ करने से हमारी सेहत पर बुरा प्रभाव पड़ता है और हमारी बॉडी में कई तरह की बीमारियां पैदा होती है क्योंकि मछली की तासीर गर्म होती है और दूध की तासीर ठंडी होती है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हमारी सेहत खराब कर सकती है, इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि इन दोनों का सेवन एक साथ न करें। फैक्ट नंबर 1, दोस्तों आपने अक्सर देखा होगा कि दीवारों पर पौधे उग जाते हैं लेकिन ये बात वैसे हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि भला एक पौधा दीवार पर कैसे उग जाता है, लेकिन इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। दरअसल इनके उगने के पीछे कीड़ों मकोड़ों की भूमिका होती है। जब एक कीड़ा अपने भोजन के लिए पौधे के बीजों को दीवारों की दरारों में इकट्ठा कर देते हैं तो वहाँ हवा से मिट्टी इकट्ठी हो जाती है और ये मिट्टी पे किसी भी तरह पानी की नमी से पहुंच जाती है तो ये बीज पौधे बन जाते हैं। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, आप अपना ख्याल रखना है, हमेशा ऐसे खुश रहना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।